वेलकम टू माई चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं कैश मेमोरी को, ठीक है। इसको जो है कैश प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेसर का बता दूं, फिर हम इस पे आते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ये मदरबोर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। ये सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट ही होता है, सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है। ये मदरबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। ये प्रोसेसर है, सीपीयू बोलते हैं इसको, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं, और ये भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है। ये मेमोरी है, और सबको जो प्रोटेक्ट करता है कौन करता है, सिस्टम यूनिट करता है। मैंने बड़े डिटेल से वीडियोस बनाई हुई है सिस्टम यूनिट पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहाँ वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, रैम पे, रोम पे, मेमोरी पे, इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम, देन हमारे पास जो है रजिस्टर्स सब पे। अच्छा, कैश मेमोरी को करते हैं थोड़ा सा डिस्कस। पहले तो आपको मैंने बता दिया प्रोसेसर को आपने देख लिया, सीपीयू या प्रोसेसर जो होता है वो भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब कैश मेमोरी, कैश इसको प्रोनाउंस करते हैं, इज़ ए स्मॉल, ये स्मॉल होती है एंड वेरी फास्ट मेमोरी, बहुत फास्ट होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि ये स्पीड अप कर सके डेटा को, इंस्ट्रक्शंस की, डेटा और इंस्ट्रक्शंस की ट्रांसफ़र को स्पीड अप कर सके, ठीक है, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड और क्लोज अप। ये क्वेश्चन ये पैदा होता है, अराइज होता है यहाँ पर, कि कहाँ पर लोकेट होती है, तो ये इनसाइड और क्लोज टू द सीपीयू चिप। अब मैंने आपको चिप दिखाई सीपीयू की, जो प्रोसेसर दिखाया, ठीक है, ये लोकेट होता है इनसाइड या तो सीपीयू की चिप के अंदर या उसके क्लोज, ठीक है। इट इज़ फास्टर देन रैम। अब ये रैम की निस्बत ज़्यादा फास्टर है, हमने पढ़ा था रैम के बारे में, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, रैम का सारा पढ़ा था, कि सीपीयू को जब भी चाहिए होता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए, तब भी उधर से एक्सेस करता है रैम से, और जब प्रोसेस डाटा पे और इंस्ट्रक्शंस को कर लिया जाता है, तब जो उसको स्टोर करने के लिए भी रैम के पास भेज देता है उसको, ठीक है ना, सारा स्टोर डाटा भी, प्रोसेस डाटा भी उसके पास जाके स्टोर हो जाता है। तो ये रैम से भी फास्टर होता है जो ये कैश मेमोरी होती है। डाटा और इंस्ट्रक्शंस डाटा मोस्टली, मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन कैश। अब जो डाटा इंस्ट्रक्शंस जो है ना, मोस्ट रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली जो सीपीयू ने यूज़ किया होगा ना, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और जो बार बार यूज़ हो रहा होगा, सीपीयू यूज़ कर रहा होगा, तो वहाँ पर कहाँ पर स्टोर हो जाती है, कैश में स्टोर हो जाती है, कैश मेमोरी में, ठीक है। वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि बार बार और रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है, सीपीयू उसको यूज़ कर रहा है, तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, कैश मेमोरी में, वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। उसके बाद क्या है, हमारे पास डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम व्हेन सीपीयू यूजेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम। डेटा, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया, और डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो देख लो, वरना मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू ने इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस करना है ना, तब भी रैम से एक्सेस करना है, ठीक है, रीड करना चाहता है तो उसको तब भी एक्सेस करेगा रैम से, और अगर राइट करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है कुछ भी रैम पे, तो वो भी उधर भेज देगा उसको रैम की तरफ, ठीक है, मतलब एक्सेस भी वहीं से होगा और जाके स्टोर भी उधर ही हो जाएगा रैम पे, ठीक है। तो डेटा इंस्ट्रक्शन जो है ना, रिट्रीव्ड होती है रैम से जब सीपीयू यूज़ उसको कर रहा है फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको यूज़ कर रहा है ना, तो उसको रिट्रीव कर लेगा रैम से, रिट्रीव करा लेगा, क्योंकि रैम पे होगा ना सब कुछ स्टोर, तो वो रैम से उससे रिट्रीव कर लेगा, ले लेगा। और फिर कॉपी जो होती है ना उस डेटा इंस्ट्रक्शन की, वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ठीक है, उसकी कॉपी, उस डेटा इंस्ट्रक्शन की कॉपी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर जैसे सीपीयू को चाहिए तो वो वहाँ से ले लेगा, उसके पास जल्दी से एक्सेस हो जाएगा कैश मेमोरी से। नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को नीड होगा ना उस डाटा और इंस्ट्रक्शन की, तो वो पहले कैश मेमोरी में देखेगा, अगर रिक्वायर्ड डाटा उसको कैश मेमोरी में मिल गया तो वो वहाँ से ले लेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फिर मेन मेमोरी में बाद में चेक करेगा, ठीक है। इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। इससे क्या हो जाता है, इस मेमोरी से, कैश मेमोरी से जो सीपीयू की वर्किंग स्पीड है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, सही है, जल्दी जल्दी काम होने शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस डाटा जो है एक्सेस होती हैं, जल्दी से उस पर काम होता है, जल्दी से वो स्टोर हो जाती है, तो काम जो है स्पीड अप हो जाता है। होप सो जितना मैंने बताया अभी समझ आया। उसके बाद हम लेवल को इसके डिस्कस करते हैं कैश मेमोरी के। ये हैं जी लेवल,
सी कैश मेमोरी के अ कंप्यूटर कैन हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी. कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं. लेवल नंबर जो है क्या कह रहे हैं, लेवल नंबर रेफर करता है डिस्टेंस फ्रॉम सीपीयू, वेयर लेवल वन इज़ द क्लोजेस्ट. लेवल वन जो होगा वो सबसे क्लोज होगा, ठीक है, सीपीयू के. और फिर लेवल टू थोड़ा सा उससे दूर होगा लेवल वन से, और लेवल थ्री लेवल वन से भी दूर होगा, लेवल टू से भी सबसे दूर होगा लेवल थ्री. तो इस तरह से जो है लेवल्स का है कॉन्सेप्ट. ऑल लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के जो लेवल्स हैं ना, कैश मेमोरी के लेवल्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. ऑल लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी आर फास्टर देन रैम. पहले भी बता दिया कि जो रैम है ना, रैम से ये जो है कैश मेमोरी तेज़ होती है, फास्टर होती है, ठीक है, जल्दी काम करती है. तो लेवल जो कैश मेमोरी के होते हैं ना, तमाम लेवल जो कैश मेमोरी के, वो फास्टर होते हैं रैम से. अब याद रखना आपने, जो कैश क्लोजेस्ट टू द सीपीयू इज़ ऑलवेज, जो कैश मेमोरी है ना सीपीयू के क्लोजेस्ट है, बिल्कुल पास है, इज़ ऑलवेज फास्टर बट जनरली कॉस्ट मोर. सबसे जल्दी काम करेगी लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है, मोर कॉस्टली भी होगी वो, क्योंकि एफिशिएंट काम कर रही है, फास्टर काम कर रही है, जल्दी जल्दी कर रही है, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी एंड स्टोर्स लेस डाटा. जितनी वो सीपीयू के क्लोज होगी ना, उतनी वो महंगी भी होगी, काम जल्दी कर लेगी लेकिन डाटा उसमें कम स्टोर होगा, ठीक है. और देन अदर लेवल्स ऑफ कैशे, दूसरे कैशे की निस्बत, ठीक है. तो ये समझ आया, इतना कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है. लेवल वन कैशे क्या है, लेवल टू क्या है, लेवल थ्री क्या है. लेवल वन कैशे क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैशे. इसको प्राइमरी और इंटरनल कैशे बोलते हैं, कैश बोलते हैं. इट इज़ बिल्ट डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप. ये डायरेक्टली प्रोसेसर चिप में बिल्ट होती है. प्रोसेसर का बता दिया आपको, सीपीयू बोलते हैं, ठीक है. इट हैज़ अ स्मॉल कैपेसिटी फ्रॉम 8 KB. अब इसकी कैपेसिटी क्या है, लेवल वन का हमने बताया कि लेवल वन क्लोज होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होगी. और क्या था, सबसे महंगी भी होगी. और ये था कि कम डाटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है. तो इसकी रेंज इतनी है कैपेसिटी. फिर लेवल टू को देख लो, तो ये स्लो है लेवल वन से, थोड़े दूर जो होती है, थोड़ी सी दूर होती है उससे. स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है, लेवल टू की ज़्यादा है. और फिर क्या है, करंट प्रोसेसर कंटेन एडवांस ट्रांसफर कैश ऑन प्रोसेसर चिप दिस टाइप ऑफ L2 कैश. कॉमन साइज ऑफ कैश इज़ फ्रॉम 51 KB टू 8 MB. इतना भी कर सकते हो आप, इनफ है. लेवल थ्री कैश में क्या है, दिस कैश इज सेपरेट फ्रॉम प्रोसेसर चिप. ये सेपरेट होती है प्रोसेसर चिप से ऑन द मदरबोर्ड पे. इट एग्जिस्ट ऑन द, ये कहाँ पर होती है, ऑन द कंप्यूटर डैट यूजेस L2 एडवांस ट्रांसफर कैश. इट इज़ स्लोअर देन, ये स्लो होती है L1 और L2 दोनों से. और पर्सनल कंप्यूटर ओफन हैज़ अप टू 8 MB टू L3 कैश, ठीक है. 8 MB ऑफ L3 कैश होता है, ठीक है. पर्सनल कंप्यूटर्स L3 लेवल थ्री कैश उसमें होता है, ठीक है. नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पहले यहाँ तक. और ये आपको लेवल सारे नज़र आ रहे हैं कैश मेमोरी के. ये होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक